अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। दो युवकों ने, जिनके हाथ पर ये जंजीर है और कान पकड़कर ये बात दोहराते हुए पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। इनके पास आसपास काफी पुलिस भी मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये मामला क्या है। दरअसल ये मामला है मध्य प्रदेश के रतलाम का, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। बता दें कि दरअसल एक तरफा प्यार के चलते आधी रात को एक पुजारी के घर में घुसकर भयू मराठा नाम के एक आरोपी ने उन्हें 18 बार चाकू से गोदा। इस दौरान उनके साथ 8 और लड़के थे। पुलिस ने इस मामले में भयू और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी भयू ने पुजारी पर 18 बार चाकू से वार किया। फिलहाल पुजारी जो है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। गुरुवार को पुलिस की टीम ने अपराधियों पर जो है उन्हें पकड़ा और वो पुलिस जो है वो पुजारी के घर गई। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों अपराधी कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। वो बार बार बोल रहे हैं कि अपराध करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। पुजारी अवैध त्रिवेदी पर सोमवार की रात भयू मराठा ने अटैक कर दिया था। जानकारी के मुताबिक पुजारी की 18 साल की बेटी से आरोपी जबरन शादी करना चाहता था। पुजारी अपनी बेटी को उसकी नाना के पास ग्वालियर छोड़ाए थे। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने 18 बार उन्हें चाकू से गोद दिया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में लगातार अपराधियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। पुजारी पर हमले करने वाले दोनों ही अपराधियों को पुलिस ने बुधवार को पकड़ लिया। इस घटना के बाद इलाके के लोग डर गए हैं। लोगों के मन में भय हटाने के लिए पुलिस की टीम दोनों ही अपराधियों को पुजारी के घर ले गई। इस दौरान अपराधियों से कान पकड़कर माफी भी मंगवाई गई। बता दें कि जब आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया, इस दौरान उन्होंने कई जगह पर जो है तोड़फोड़ भी की। आरोपियों ने पुजारी के घर पर तोड़फोड़ की और उन पर हमला किया। इस दौरान जब पुजारी की पत्नी और माँ उन्हें बचाने आई तो आरोपियों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। सनकी आशिक ने पुजारी पर चाकू से कई बार वार किया। आनंद फानंद में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद उनकी पत्नी का बयान भी सामने आया। आइए आपको सुनाते हैं उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा। रात भर मेरा मतिया चक्कू खाता रहा, मेरा बेटा अंदर खिड़की में से चिल्लाता रहा, मेरे पापा को बचा लो, कोई बचा लो, ताकि आज जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और बेटी बाप के साथ नहीं हो, माँ बाप के साथ ना हो। अगर पुलिस वालों ने, मीडिया वालों ने इनको छोड़ा तो पूरी दुनिया के बदमाशों को बढ़ावा मिलेगा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर रतलाम पुलिस का क्या कुछ कहना है। ये इनमें से एक भैया मराठा है, जिसके पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड है, और इसका एक साथी है रेहान। इनके अन्य साथी भी है, उनकी भी अभी तलाश जारी है। अभी इन भैयू और रेहान को गिरफ्तार किया है। इन्होंने एक व्यक्ति को घर में घुसकर इन्होंने चाकू की मारा था और अभी वो भर्ती है अस्पताल में, उनका इलाज चल रहा है। अभी लड़की से जो फरियादी है उसकी लड़की से कुछ एक तरफा कुछ प्रेम संबंध है, ऐसा हमें पता चला है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।